बॉलीवुड में ऐसी फिल्मों की भरमार है जिनमें हिंदुओं या फिर हिंदू धर्म का कई बार मजाक उड़ाया गया है, लेकिन अब ये देश लगता है हिंदू धर्म के अपमान को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तभी तो बॉलीवुड फिल्मों का जबरदस्त बहिष्कार होने लगा है और इस बहिष्कार का खामियाजा अब तक आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, तापसी पन्नू की दोबारा, रणबीर कपूर की शमशेरा जैसी फिल्मों को भुगतना पड़ा है। और बड़ी बात तो यही कि ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड फिल्मों के बॉयकॉट का सिलसिला फिलहाल तो थमने वाला नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के बॉयकॉट की लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी खूब शेयर कर यहाँ तक कहा जाने लगा है कि याद रखना चड्ढा के बाद पठान का भी बॉयकॉट करना है। वो बयान क्या है अभी सुन लीजिए। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इसी बयान को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोगों से शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का बॉयकॉट करने के लिए कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना नाम के ट्विटर हैंडल से सीएम योगी की यही वीडियो पोस्ट कर लिखा गया, शाहरुख खान की पठान मूवी न देखने के लिए योगी जी का दो टूक संदेश, इस संदेश को घर घर पहुँचाए। अनिरुद्ध राणा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, पठान मूवी का योगी बाबा जी ने किया बहिष्कार, जय श्री राम, अब तेरा क्या होगा पठान। ट्विटर यूजर संजय दीक्षित ने लिखा, योगी बाबा कहिन, शाहरुख खान सुधर जाओ नहीं तो हिंदू समझा देगा, ध्यान रहे पठान रिलीज होने वाली। एक और ट्विटर यूजर ने सीएम योगी की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शाहरुख को याद रखना चाहिए अगर बहुसंख्यक समुदाय के लोग उनकी फिल्म नहीं देखेंगे तो वो अब टिक नहीं पाएंगे, योगी आदित्यनाथ की ओर से ये एक सख्त संदेश है। शाहरुख खान के खिलाफ दिए गए सीएम योगी के इस बयान को कुछ इसी तरह से लोग आने वाली फिल्म पठान के बॉयकॉट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि सीएम योगी ने शाहरुख खान के खिलाफ बयान जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने उनकी फिल्म पठान के बहिष्कार के लिए अपील नहीं की है, क्योंकि सीएम योगी का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो साल 2015 का है, जब देश में इनटॉलरेंस गैंग ने मोदी सरकार के खिलाफ एक अभियान चलाया था। इसी दौरान शाहरुख खान ने भी इंडिया टुडे ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में कह दिया था कि देश में असहिष्णुता थोड़ी सी बढ़ी है। उनके इसी बयान के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए शाहरुख खान को जमकर आड़े हाथ लिया था। आप भी सुनिए उस वक्त योगी आदित्यनाथ का दिया पूरा बयान। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं उस साजिश से सबको बचना चाहिए, और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है,
उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं, कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख खान को निशाने पर लिया था और उनकी फिल्मों के बहिष्कार की चेतावनी दी थी, वो यूपी के मुख्यमंत्री नहीं थे बल्कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदुवादी संगठन हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष थे। आपको बता दें, असहिष्णुता को लेकर दिए गए बयान पर जब बवाल बढ़ा तो शाहरुख खान ने अपने बयान पर माफी मांग ली थी और कहा था कि देश में कोई असहिष्णुता नहीं है और अगर उन्होंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो वो माफी मांगते हैं। यानी 25 जनवरी को रिलीज हो रही शाहरुख खान की फिल्म पठान को बॉयकॉट करने के लिए योगी आदित्यनाथ के जिस बयान को इस्तेमाल किया जा रहा है वो फिलहाल 2015 का बयान है और योगी ने पठान के बहिष्कार को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बहरहाल साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख खान के खिलाफ और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं उस साजिश से सबको बचना चाहिए और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं, कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं, मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। जो लोग भारत जैसे सहिष्णु, उदार और विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाले देश की एक छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना चाहते हैं उनका ये कृत्य देशद्रोह से कम नहीं है और वे वही कृत्य कर रहे हैं जो भारत विरोधी तत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। साहित्य के नाम पर आपको कोई चीज पसंद हो ना पसंद हो, अपनी अपनी विषय हो सकती है, लेकिन पूरे देश को और बहुसंख्यक समाज पर हमला करना ये शर्मनाक है। पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकार, लेखक और शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। शाहरुख खान नहीं है, कई ऐसे लोग जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जो भी होंगे
और सोनिया गांधी जैसे लोग हम लोगों को सहिष्णुता के बारे में सिखाएंगे। वे लोग आज सहिष्णुता की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने लाखों लोगों का कत्लेआम करवाया है, जिन लोगों ने लाखों लोगों को बेघर कराया है, किया है, वे लोग सहिष्णुता की बात करेंगे अत्यंत शर्मनाक है, निंदनीय है। जो समर्थन करते रहे सरकार का वो कह रहे हैं उनको गर्व है शाहरुख खान पर, आप क्या कह रहे हैं? गर्व कोई भी कर सकता है, ये अपना अपना विषय हो सकता है, लेकिन भारत की संस्कृति पर, भारत के बहुसंख्यक समाज पर, भारत की उदार सहिष्णु और विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाली इस परंपरा पर छीटाकसी करना, उसकी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करना, ये देशद्रोह से कम नहीं। हाफिज सईद क्यों चुना आपने? हाफिज सईद मैंने नहीं चुना था, ये आपके पत्रकार ने पूछा था कि हाफिज सईद ऐसे कह रहा है, तो मैंने कहा जैसे यहाँ के लोग कर रहे हैं वैसे वो भी कह रहा है।